हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे थे अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में और लास्ट क्लास में हमने अपना अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं को कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपको अध्याय 13 जो हमारा अगला अध्याय आता है, अध्याय 13 ज्यामिति रचना, इसको स्टार्ट कर चुका हूं। और आज की इस क्लास में यानी कि पार्ट 1 में आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले क्लास और ब्लूप्रिंट वाले क्लास दोनों में बता कर रखा है कि इस अध्याय 13 से हमेशा आपको एक ही प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर के लिए होंगे। तो आज की इस क्लास में हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा, वहां पर मैं आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो टोटल आपको इस अध्याय के 2 पार्ट में वीडियो मिलेंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 5 प्रश्न और आपके 5 नंबर पक्के होने वाला है। 5ों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलने वाला है, 5 प्रश्न के अलावा, और बिल्कुल कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देख लो बच्चों, तो यहां पर देखो ज्यामिति रचना में कोई भी फॉर्मूला वगैरह, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं आता है। तो डायरेक्टली बढ़ना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, और यह रहा आपका पहले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देख लो। अब देखिए, आपके पास अभी कॉपी और पेन के अलावा आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स भी होनी चाहिए। उसमें क्या क्या होनी चाहिए? स्केल, रबर, पेंसिल, चांदा और आपका प्रकार, बिल्कुल ये चीजें होनी ही चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़कर बताता हूं, ठीक है, आ जाओ। 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचना है एवं रचना के पद भी लिखना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचना है और रचना के पद भी लिखना है। यानी कि आप जो जो काम करते हुए चलोगे उसको एक एक करके स्टेप बाई स्टेप लिखते हुए चलोगे। अब यह पूछा गया था 2017 सेट ABC 5 नंबर के लिए, तीनों सेट में पूछा गया था। बिल्कुल सर, देखो अब देखो बच्चों, मेरा जो चित्र है ना वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, क्योंकि नहीं मेरे पास स्केल है, नहीं मेरे पास चांदे है, नहीं मेरे पास प्रकार है। लेकिन जब आप लोग इसको अच्छे से बनाओगे तो आपका चित्र जो है बहुत अच्छे से दिखने वाला है। कैसे दिखेगा मैं इसको न्यू स्लाइड में आपको बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोला गया, 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज की हमें रचना करना है, परिगत वृत्त की रचना करना है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब होता है बच्चों ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है, उससे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्केल लूंगा बच्चों, बिल्कुल स्केल लो, स्केल लो और स्केल लेकर 4 सेंटीमीटर का आप एक रेखा खंड खींच लो। क्या कर लो, 4 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींच लो, ठीक है बच्चों। देखो मैंने इसको नाम दे दिया BC। तो सर्वप्रथम आप रचना के पद में क्या लिखोगे, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ये आपका पहला रचना का पद हो जाएगा। देखो मैं पहले ही क्वेश्चन को आपको एकदम डीप बताऊंगा, सेकेंड और थर्ड को थोड़ा मैं स्पीड करने वाला हूं, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे प्रथम कि स्केल की सहायता से BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। बिल्कुल सर, अब बोला गया था 4 सेंटीमीटर वाले माप वाले हमें समबाहु त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचना है, ठीक है। पहले हम बनाएंगे समबाहु त्रिभुज, देखो ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब देखो हमें पता है कि सर समबाहु त्रिभुज में चारों जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो अब क्या करोगे, आप 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या सेट करोगे, प्रकार को लो और प्रकार पर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या सेट करो, और त्रिज्या सेट कर उसके नुकीले वाले भाग को बी पर रखो। कहां पर रखोगे, बी पर रखोगे, और बी पर रखकर आप ऊपर की ओर ऐसा एक चाप काट दोगे, बिल्कुल कुछ इस प्रकार से चाप काटने वाला है। मैंने क्या बोला है, सेकेंड स्टेप में आप क्या लिखोगे कि हमने 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या सेट किया और प्रकार को रखा बी पर, और ऊपर की ओर हमने क्या काट दिया बच्चों, एक चाप काट दिया, ठीक है। अब त्रिज्या को बदलना नहीं है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ही रख रहे हो और प्रकार को उठाकर बी से उठाकर कहां पर ला लो, सी पर ला लो, ठीक है। सी पर लाकर ऊपर की ओर फिर से आप ऐसा एक चाप काटोगे, तो यहां पर आपको इन दोनों का कटान बिंदु, दोनों चाप का कटान बिंदु आपको यहां पर मिलने वाला है, जिसे मैं नाम दे दिया चलो ए, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 स्टेप कर लिया। पहला स्टेप आपका क्या था, स्केल की सहायता से BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है कि प्रकार को हमने रखा B पर और 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या सेट किया और ऊपर की ओर हमने एक चाप काटा। सेम त्रिज्या लेकर, यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर मैंने प्रकार को अब रखा सी पर और ऊपर की ओर फिर से हमने क्या कर दिया, एक चाप काटा। तो दोनों चाप के कटान बिंदु को हमने ए नाम दे दिया। 3 स्टेप अभी तक हो चुके हैं। चौथे स्टेप में आप क्या करोगे, देखो
चौथे स्टेप में आप क्या करो, ए को बी से मिला दो। किसको? ए को मैंने बी से मिला दिया, ये चौथा स्टेप हुआ। और हम ए को सी से मिला दिए, ये आपका हुआ चौथा स्टेप में ही आप इसको लिख सकते हो। चौथा स्टेप में आप दो चीज लिख सकते हो कि हमने ए को बी से मिलाया और ए को सी से मिला, बिल्कुल ये आपका चौथा स्टेप हो जाएगा। देख लो, हमने यहां पर ए बी सी, इस प्रकार से हमें ए बी सी प्राप्त हो चुका है, एक त्रिभुज प्राप्त हो चुका है जो कि कैसा बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसके जो सभी भुजा है वो चार चार सेंटीमीटर के, कितने हैं? चार चार सेंटीमीटर के होने वाला है। देख लो, बिल्कुल आप लोग एकदम माप के बनाओगे, मेजर करके बनाओगे, बिल्कुल नाप के बनाना इसको, ठीक है? तभी आपका जो चित्र है वो सही से दिखेगा, ठीक है? चार चार सेंटीमीटर का ये तीनों भुजाएं। इस प्रकार से हमें हमें एक त्रिभुज मिला है, त्रिभुज एबीसी, जिसके तीनों भुजाएं जो है वो एकदम बराबर है। अब हमें इसके परिगत वृत्त की रचना करना। देखो देखो, यहां पर बोला गया परिगत वृत्त, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन पे आऊंगा ना तो वहां पर अंतर्वृत्त की रचना करना सिखाऊंगा। तो दोनों में डिफरेंस समझना बच्चों, दोनों में अंतर को समझना। परिगत वृत्त जब भी आपको रचना करना होता है ना, तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को लो और उन दोनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींच दो। अंतः जब वृत्त की रचना करेंगे तो वहां पर हम कोणों का कोणार्धक लेने वाला है। जब भी आपको परिगत वृत्त की रचना करना है, परिगत वृत्त की रचना करना है, तो आप त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं को लो और उसका लंब समद्विभाजक खींच दो। सर, अब हम लंब समद्विभाजक किसे खींचे? देखो, पहली बात तो डिसाइड कर लो कि आप कौन कौन से दो भुजाओं को लेने वाले हो, ठीक है? हमारे पास तीन भुजा, सर इस त्रिभुज में तीन भुजा है, हम दो भुजा को लेने वाले हैं और उन दोनों का लंब समद्विभाजक खींचने वाले हैं। कैसे खींचेंगे? देखो, चलो मैं भुजा ये ए बी और ये भुजा बी सी, भुजा ए बी और ये भुजा बी सी का मैं लंब समद्विभाजक खींचने वाला हूं। देखो कैसे खींचेंगे, पहले मैं भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक खींच रहा हूं, तो क्या करो, प्रकार को उठाओ, प्रकार को उठाकर नुकीले वाले भाग को बी पर रखो। कहां पर रखोगे? बी पर रखोगे। और इस भुजा बीसी के आधे से ज्यादा लंबाई के, इस बीसी भुजा के आधे से ज्यादा लंबाई का आप त्रिज्या सेट करो और एक चाप आप ऊपर की ओर ऐसे काटोगे। भाई आधे से ज्यादा करोगे ना, तो आधे मान लो यहां पर आया है, तो आधे से ज्यादा यहां तक आप क्या करोगे, त्रिज्या सेट करोगे और ऊपर की ओर आप ऐसे एक चाप काटोगे और नीचे की ओर भी आप ऐसा एक चाप काटोगे। कुछ इस प्रकार से आपका चाप दिखने वाला है, ठीक है? अब त्रिज्या को बदलना नहीं है, त्रिज्या को सेम रखे रहो, प्रकार को उठाकर ले आओ कहां पर, सी पर लाओ। कहां पर लाओगे? सी पर लाओगे। सी पर रखकर आप फिर से क्या करोगे, यहां पर देखो, सी पर रखकर देखो क्या करोगे, एक चाप आप ऊपर की ओर यहां पर काटोगे और एक चाप आपको काटकर यहां पर मिलने वाला है। कहां पर मिलेगा बच्चों? यहां पर बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है? अब देखो, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे, बिल्कुल ये कुछ इस प्रकार से एकदम सीधी लाइन मिलने वाली, ठीक है? एकदम सीधी लाइन, ठीक है? ये आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप एकदम स्केल से करोगे तो एकदम सीधी लाइन आपको मिलने वाली है। देख लीजिए बच्चों, मैंने भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक खींच लिया है, अब हमें खींचना है भुजा एबी का लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे? देखो, फिर से अपने प्रकार को उठा और यहां पर बिंदु बी पर रखो। बिंदु बी पर रखने के बाद आप क्या करोगे, ये जो भुजा ए बी है ना, इसके आधे से ज्यादा लंबाई के आप त्रिज्या लोगे। आधे यहां पर मान के चलो आधा आया, तो आधे से ज्यादा यहां तक की लंबाई का आप त्रिज्या सेट करोगे और एक चाप आप ऊपर की ओर ऐसे काटोगे और एक चाप आप नीचे की ओर ऐसा काटोगे। दो चाप आपने काट दिया। अब त्रिज्या को बदलना नहीं है, त्रिज्या को बदलना नहीं है, प्रकार को बिल्कुल हिलाना नहीं है और प्रकार को उठाकर अब की बार आप ले आओ कहां पर, ए पर लाओ। ए पर लाकर आप एक चाप इधर काटो, एक चाप आप इधर की ओर काटोगे और एक चाप आप इधर की ओर ऐसे काटने वाले हो, तो दोनों चापों के कटान बिंदु को हम मिलाने वाले हैं। देख लो, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या किया है, त्रिभुज बनने के बाद मैंने आपको दो स्टेप बता दिए हैं। हमने क्या किया है, बीसी भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा और एबी भुजा का भी हमने लंब समद्विभाजक खींच लिया। दोनों के कटान बिंदु को, दोनों के कटान बिंदु को चलो हमने नाम दे दिया ओ। क्या किया आपको, क्या लिखना है स्टेटमेंट में, क्या लिखोगे स्टेप्स ऑफ इसमें कंस्ट्रक्शन में, रचना के पद में क्या लिखोगे कि हमने बीसी और ये एबी भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा जिसके कटान बिंदु को ओ नाम दिया। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है? अब देखो, हमें परिगत वृत्त का रचना करना, परिगत वृत्त बनाना, ठीक है बच्चों? अब अपने उठाओ प्रकार को, कहा किसको उठाओगे, प्रकार को उठाओगे, प्रकार को उठाकर यहां पर रखो। कहां पर रखोगे? ओ पर रखोगे, ठीक है? अब ओ पर रखकर आप बी तक की दूरी को त्रिज्या लोगे।
कहां पर रखा, मैंने अपने प्रकार के नुकीले वाले को रखा ओ पर, ओ को मान लेते हैं केंद्र, ओ पर रखकर बी तक की दूरी को आप क्या कर लोगे, त्रिज्या सेट कर लोगे और उसी तरह से आप यहां पर क्या करोगे, एक वृत्त की रचना कर दोगे। कुछ इस प्रकार से आपको वृत्त दिखने वाला है, देख लो कुछ इस प्रकार से आपको वृत्त दिखने वाला है। मेरा चित्र थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन सकता है, आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप अच्छे से अपने कॉपी पर बनाओगे ना तो आपको एकदम सर्कल वृत्त दिखने वाला है। और ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना एबीसी, इसको जो तीनों शीर्ष है वो वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। कहां पर बच्चों, वृत्त के परिधि पर स्थित होता है, यही हमारा क्या होता है, अभीष्ट परिगत वृत्त। यही क्या बच्चों, अभीष्ट परिगत वृत्त। इतना ही काम करना है और आपको पांच में से पांच नंबर मिलने वाला है। नहीं दिक्कत क्या, फायदे का मन, फायदे का सौदा मन होने वाला, फायदे का सौदा मन होने वाला है। ना फॉर्मूला है, ना कैलकुलेशन है, ना कुछ भी नहीं है। जो जो हमने यहां पर काम किया उसी को स्टेप बाय स्टेप आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में रचना के पद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हमने यहां पर इसको बना लिया। अगर बच्चों बिल्कुल बिल्कुल आपने ईमानदारी पूर्वक इसको नाप कर जोक कर अच्छे से मेजर करके बनाया हुआ है तो आपका जो चित्र है ना कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। देखो मैंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपका यह परिगत वृत्त बहुत खूबसूरत से नजर आने वाला है। देख लो बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है। एक जो परिगत वृत्त है इसमें जो अंदर में त्रिभुज बना हुआ है ना, इसके जो तीनों शीर्ष है वो इस वृत्त के परिधि पर स्थित है। इसी को हम कहते हैं परिगत वृत्त। क्या कहते हैं बच्चों, परिगत वृत्त कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अब यहां पर मैंने पहले से रचना के पद भी लिखकर रखा हुआ। अगर मैं यहां पर आपको हर एक चीज लिख के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, घंटों तक लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। तो ठीक है, मैंने रचना के पद भी यहां पर लिख कर रखा हुआ है। चलो एक बार हम इस क्वेश्चन के लिए पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। देखो सर्वप्रथम हमने क्या कहता, स्केल की सहायता से बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचा था। हमने क्या कहता, स्केल लिया था और स्केल की सहायता से बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर का सबसे पहले हमने रेखाखंड खींचा था। यह हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, प्रकार को बिंदु बी पर रखे थे, प्रकार को हमने बिंदु बी पर रखा था, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप हमने ऊपर की ओर काटा था, बी पर रखा था और ऊपर क्यों हमने एक चाप ऊपर की ओर काटा था। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था, उतने ही त्रिज्या यानी कि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ही लेकर फिर हमने प्रकार को अब की बार रखा सी पर और ऊपर की ओर फिर से चाप काटा। उन दोनों चापों के कटान बिंदु को हमने ए नाम दिया। यह आपका अगला स्टेप में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला था, यहां पर देखो, यहां पर मैंने लिख कर रखा है ए को बी से व ए को सी से मिलाया, ए को बी से मिलाया और ए को सी से मिलाया। तो इस प्रकार से अभीष्ट समबाहु त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुए, जिसमें ए बी बराबर है, बीसी बराबर है, सी ए बराबर है, कितने हैं, 4-4 सेंटीमीटर के। तीनों जो भुजाएं वो 4-4 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। पांचवा स्टेप भी आपको समझ में आ गया। छठवें स्टेप में हमने क्या किया था, अब भुजा ए बी व भुजा बी सी का प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजक खींचा, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु ओ प्राप्त हुआ। हमने कैसे खींचा था लंब समद्विभाजक, मैं आपको बता चुका हूं, दोनों के लंब समद्विभाजक को हमने ओ नाम दिया था, कटान बिंदु को या फिर प्रतिच्छेद बिंदु को हमने ओ नाम दिया था। फिर हमने क्या किया था, केंद्र ओ से बी की दूरी को त्रिज्या लेकर हमने क्या माना, इसको केंद्र, हमने ओ को केंद्र माना और ओ से बी तक की दूरी को त्रिज्या लिया। त्रिज्या लेकर हमने क्या किया है, एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हैं। देख लो ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष है वो वृत्त के परिधि पर स्थित है, ठीक है। तो यहीं पर बोला गया है कि वृत्त खींचा जो त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है, यही अभीष्ट समबाहु त्रिभुज एबीसी का अभीष्ट क्या है बच्चों, परिगत वृत्त, क्या है, परिगत वृत्त है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना, बिल्कुल इस तरह से चित्र दिखने वाला है। ये मैंने रफली बनाया है तो इस प्रकार से दिखा है, लेकिन पूरा आप नाप कर बनाओगे, एकदम आप क्या करोगे, प्रकार की सहायता से बनाओगे, स्केल से नाप कर बनाओगे, तो बिल्कुल चित्र जो है आपका इस प्रकार से दिखने वाला है। और ये होने वाला आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रचना के पद होने वाला है। पहले प्रश्न को मैंने अच्छे से आपको बता दिया, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर देख लो, आ जाओ। अब इसमें भी कुछ भी दम नहीं है, अब यहां पर क्या बोला गया, थोड़ा सा आप स्पीड करने वाले इस प्रश्न को। देखो त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना करना है, जिसमें एबी बराबर 5 सेंटीमीटर लेना, एबी बराबर बच्चों 5 सेंटीमीटर लेना है, कोण ए बराबर 45 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश लेना है और रचना के पद भी लिखना है। बिल्कुल लिख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो वापस से वही कहानी, देखो मेरा जो चित्र बनेगा वो थोड़ा सा रफ बनेगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये चित्र एक्चुअल में बनेगा कैसे, इसको मैं न्यू स्लाइड में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देखो अब की बार क्या लेना है, आपको चांदी की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि हमें कोण बनाना है।
तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल लोगे, क्या करोगे स्केल लोगे, तो सर्वप्रथम स्केल की सहायता से हम एक रेखाखंड खींचने जा रहे हैं एबी। हमने एक रेखाखंड खींचा हुआ एबी जिसकी लंबाई कितनी बच्चों, लंबाई दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। चलो यहां पर मैंने लिखा इसको ए और ये हो चुका बी, इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो रचना के पद में सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम स्केल की सहायता से AB बराबर 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा, ये आपका हो जाएगा रचना के पद में पहला आपका स्टेप, बिल्कुल ठीक है। अब देखो फिर यहां पर बोला गया था कोई कोण ए बराबर 45°। तो अब अपने चांदे को उठाओ, चांदे को उठा के चांदे के मध्य बिंदु को, चांदे के मध्य बिंदु को बच्चों ए पर रखोगे, कहां पर रखोगे ए पर रखोगे और 45° का कोण देखोगे, ये इधर आपका आने वाला है 45° का कोण। मान लेते हैं कि ये यहां पर आएगा, ठीक है, आप ये बिल्कुल इसको नाप कर करोगे, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक नाप कर करना, ठीक है, नाप कर करना है। मैंने क्या बोला, सेकंड स्टेप में हमने अपने चांदे के मध्य बिंदु को रखा ए पर और 45° का हमने क्या बना दिया बच्चों, यहां पर हमने कोण बना दिया। देख लो इस प्रकार से आपका 45° का कोण बनने वाला है, यहां पर लिख देंगे कोण ए का मान कितना है 45°। ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, चांदे पर, चांदे को हमने बिंदु ए पर रखा, ठीक है, और हमने 45° का कोण बना दिया, बिल्कुल। फिर यहां पर बोला गया था कि कोण बी बराबर है 60°। देखो अब चांदे को ए से उठाकर कहां पर रख दो, बी पर रख दो, चांदे के मध्य बिंदु को कहां पर सेट कर दो, बी पर सेट कर दो, और यहां से आप 60° का कोण देखो। अब की बात 60° का आपको यहां नहीं देखना है, इधर के 60° को देखना है। तो मान लेते हैं कि ये इस साइड आपका आया हुआ है 60°, देखो इस साइड आया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 60° का मैंने यहां पर एक कोण बना दिया है, देख लो। तो इन दोनों के कटान बिंदु को मैंने सी नाम दिया है, कोण बी, कोण बी का मान क्या है बच्चों 60° है, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो चुका है, ठीक है। चलो मैं एक बार पूरे स्टेप्स को एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखो सर्वप्रथम हमने क्या किया है, स्केल की सहायता से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, यह आपका पहला पद हुआ। पहला पद बिल्कुल अपने लैंग्वेज में अच्छे से जमा कर लिखना है, मैं एक एक चीज को आपको बता रहा हूं कि सर्वप्रथम स्केल की सहायता से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का हमने एक क्या खींचा, रेखाखंड खींचा। फिर हमने क्या किया, चांदे को लिया और चांदे के मध्य बिंदु को ए पर रखा और ए पर रखकर हमने कोण ए बराबर 45° बनाया, ये आपका दूसरा स्टेप हुआ। फिर थर्ड स्टेप में हमने चांदे को रखा बी पर और बी पर रखकर हमने 60° का कोण बनाया, ये आपका हो चुका थर्ड स्टेप। फिर इन दोनों के कटान बिंदु को हमने सी नाम दिया, बिल्कुल ये आपका फोर्थ स्टेप होने वाला है, चौथा आपका रचना के पद होने वाला है, बिल्कुल सर। देखो तो इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी का निर्माण हुआ, इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी का निर्माण हुआ, यह आपका पांचवा पद हो जाएगा। पांच पद में त्रिभुज बन चुका है, पांच पद में त्रिभुज आपका कंप्लीट हो चुका है। हमें तो परिगत वृत्त खींचने ना, तो वापस से वही अपनी कहानी दोहराएंगे, परिगत वृत्त खींचने के लिए हम किन्हीं भी दो भुजाओं को लेते हैं और उसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो वापस से मैं क्या करूंगा, एबी भुजा और ये एसी भुजा दोनों का लंब समद्विभाजक खींचने वाले हैं। कैसे खींचते बच्चों, देखो पहले मैं AB का लंब समद्विभाजक खींचने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा अपने प्रकार को रखा A पर और AB जो भुजा है इसके आधे से ज्यादा लंबाई को लूंगा, आधे से ज्यादा लंबाई को मैं त्रिज्या लूंगा, ठीक है, आधे से ज्यादा, मान लेते कि यहां तक आएगा, और एक चाप मैं ऊपर की ओर काटूंगा और एक चाप मैं नीचे की ओर इस प्रकार से काटने वाला। बिल्कुल सर, हमने दो चाप काट दिया है। क्या क्या किया मैंने, अपने प्रकार को रखा A पर और भुजा AB के आधे से ज्यादा लंबाई की त्रिज्या लेकर एक चाप हमने ऊपर की ओर काटा और एक चाप हमने नीचे की ओर काटा, ये आपका अगला स्टेप हो गया, छठवां स्टेप को मैंने बता दिया, ठीक है। चलो फिर क्या करेंगे, अब अपने प्रकार को बिल्कुल हिलाना नहीं है, त्रिज्या को सेम रखना है और उसको यहां पर रख दो, प्रकार को निकले वाले भाग को बी पर रखो और एक चाप या यहां ऊपर की ओर काटो और एक चाप यहां पर आप नीचे की ओर ऐसा काट दोगे, ठीक है। तो दो चाप हमने काटे हुए, तो इनका कटान बिंदु को हम ऐसे मिला दिए, कटान बिंदु को बच्चों बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन दिखने वाली, हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है। हमने भुजा एबी का लंब समद्विभाजक खींच लिया है, अब हमें खींचना है भुजा एसी का लंब समद्विभाजक। देखो तो सर हम अब भुजा एसी का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, वापस से वही कहानी, क्या करोगे, प्रकार को लो और प्रकार के नुकीले वाले भाग को कहां पर रखोगे, ए पर रखोगे, कहां पर रखोगे, ए पर रखकर आप क्या करोगे, जो भुजा एसी है ना इसके आधे से ज्यादा लंबाई का आपको लेना पड़ेगा त्रिज्या, और एक चाप आप क्या करो, ये नीचे की ओर काटो, ये नीचे की ओर ऐसा काटो और एक चाप जो है आप ऊपर की ओर ये कुछ इस प्रकार से ऐसा ऐसा काट दो, देख लो कुछ इस प्रकार से कटने वाला, ठीक है। देखो
अब त्रिज्या को बिल्कुल बदलना नहीं है, त्रिज्या को बिल्कुल बदलना नहीं है, अब अपने त्रिज्या को बदलना नहीं है, प्रकार को उठाकर ए से उठाकर सी पर ला, नुकुले वाले भाग को सी पर रखो और एक चाप आप इस साइड ऐसे काटोगे तो यहां पर आपको नहीं मिलेगा और एक चाप आप इधर काटोगे तो यहां पर आपको ये काट चाप मिलने वाला है। देखो ये दो दोनों चाप थे ना, उसका कटान बिंदु, इसके कटान बिंदु को हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, पांच स्टेप में आपके तो त्रिभुज बने थे, छठवें स्टेप में आप क्या लिखोगे कि सर हमने एबी और ये एसी दोनों का हमने लंब समद्विभाजक खींचा जिसके प्रतिच्छेद बिंदु को हमने ओ नाम दिया, ये आपका छठवां स्टेप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। छठवां स्टेप में क्या करोगे कि सर हमने एबी भुजा और ये एसी भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा है जिसका प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल चुका है ओ, ठीक है, चलो ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु को हमने ओ से नाम दिया जिसे हम केंद्र भी बोलने वाले हैं। अब सातवां स्टेप में आपका क्या होगा, आप अपने प्रकार को रखोगे कहां पर, ए पर रखोगे, प्रकार को रखो, प्रकार के नुकीले वाले भाग को रखो ओ पर और उसको फैलाओ और यहां तक ले आओ, यहां तक पेंसिल वाले भाग को यहां तक ले आओ, ओ तक ले आओ, यानी कि केंद्र ओ से ए तक की दूरी को हमने लिया त्रिज्या और सीधा घुमा दो, आप उसको घुमा दो तो आपको इस प्रकार से, आपको इस प्रकार से एक एक वृत्त दिखने वाला है, परिगत वृत्त दिखने वाला है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन चुका है लेकिन ये एक्चुअल में बनेगा कैसे मैं आपको बता दूंगा आगे की तरफ। तो बच्चों अगर आपने हर एक चीजों को अच्छे से नाप कर बनाया हुए ना तो कुछ इस प्रकार से आपका चित्र दिखने वाला है, बिल्कुल इसी प्रकार से दिखने वाला है। अगर ऐसा आपका चित्र बना बनाया दिख रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वो एकदम सही होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज एबीसी का हमने अभीष्ट परिगत वृत्त बना लिया है, ठीक है। चलो यहां पर मैंने पहले से ही रचना के पद को भी लिख कर रखा हुआ, बिल्कुल रटना नहीं है, रटना नहीं है, अपने लैंग्वेज में लिखना, जमा कर लिखना है, ठीक है। चलो एक बार मैं सारी चीजों को एक बार और रिवाइज करा देता हूं। देखो सर्वप्रथम हमने क्या किया है, स्केल को उठाया, स्केल की सहायता से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का बच्चों हमने क्या किया है, एक रेखा खंड खींचा है। यहां पर मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है पहले स्टेप में कि सर्वप्रथम स्केल की सहायता से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचा। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है कि चांदे को ए पर रखा और कितना 45 अंश का कोण बनाया, फिर हमने चांदे को बी पर रखा और 60 अंश का कोण बनाया, दोनों के कटान बिंदु को बच्चों हमने सी नाम दिया, ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। फिर हमने क्या किया तीसरे स्टेप में, हमने क्या किया तीसरे स्टेप में, ठीक है, तो स्टेप क्या लिखना है यहां पर देखो, हमने क्या किया ए को सी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, ठीक है, तो हमें यहां पर अभीष्ट त्रिभुज दिख गया एबीसी, अभीष्ट त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो चुका है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो भुजा एबी और ये जो भुजा एसी है दोनों का लंब समद्विभाजक खींचे है जिसका प्रतिच्छेद बिंदु हमें यहां पर मिलता है, कहां पर मिला, यहां पर मिला, जिसे मैंने ओ नाम दिया है। अब अपने प्रकार को हम रखते हैं ओ पर और ओ से ए तक की दूरी को हम लेते हैं त्रिज्या और सीधा इसको ऐसे घुमा देते हैं, राउंड शेप में घुमा देते हैं, तो हमें एक परिगत वृत्त मिल जाता है। देख लो परिगत वृत्त मिल चुका है जो कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हैं, यही अभीष्ट परिगत वृत्त, बिल्कुल इतना आसान होने वाला है, 5 में 5 अंक ये आपको दिलाने वाला है, बिल्कुल इस प्रकार से आपका ये चित्र दिखने वाला, अगर आपने हर एक स्टेप को अच्छे से किया हुआ, हर एक चीजों को नाप कर किया हुआ तो, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन को भी हमने समझ लिया, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जहां पर बोला गया है अंतःवृत्त की रचना करना, बिल्कुल अंतःवृत्त की रचना करना भी हम सीख जाते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं पढ़कर बताता हूं एक बार, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर अंतःवृत्त की रचना कीजिए, रचना के पद भी लिखिए, बिल्कुल सर लिख देंगे। देखो यहां पर बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोला गया अंतःवृत्त की रचना करना, क्या अंतःवृत्त की रचना करना और परिगत वृत्त की रचना करना हमने ऑलरेडी सीख रखा है दो प्रश्नों की सहायता से, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, परिगत वृत्त की रचना करते हैं तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं, अंतःवृत्त की रचना करना है तो हम त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का कोणार्धक और वहां से हम एक अंतःवृत्त की रचना करेंगे, बिल्कुल सर देख लो। चलो वापस से वही कहानी दोहराएंगे, बिल्कुल आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होने चाहिए, स्केल लो, प्रकार लो, सब चीज लो, और यहां पर सबसे पहले देखो बोला गया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो हम त्रिभुज बनाएंगे उस त्रिभुज के तीनों जो भुजा होंगे वो बराबर होने वाले 6-6 सेंटीमीटर की तरह होने वाले है। तो हम क्या करेंगे यहां पर स्केल को लो, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से हम एक रेखाखंड खींच रहे हैं, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। हमने यहां पर क्या किया, स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचा, ए बी खींचा, ए बी खींचा, ठीक है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। रचना के पद में कैसे लिखोगे,
सर्वप्रथम स्केल की सहायता से ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक रेखा खंड खींच लिया। ये आपका हो चुका रचना का पथ का पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, देखो तीनों इसके जो भुजा है वो बराबर है बोला गया है, तो ये पहले प्रश्न की तरह बनने वाला है, तीनों भुजाओं को बराबर लेना है। तो क्या करोगे, अब उठाओ अपने प्रकार को, किसको उठाओगे, प्रकार को लो और प्रकार को रखो ए पर और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या सेट करो। क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या सेट करोगे और ऊपर की ओर देखो, यहां पर ऊपर की ओर 6 सेंटीमीटर का ऐसे आपको चाप काट देना है। मैंने सेकंड स्टेप में क्या बोला है कि अपने प्रकार को रखोगे ए पर, नुकुले वाले भाग को ए पर रखो और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या सेट करो और ऊपर की तरफ आप काट दो एक चाप। मैंने काट दिया, ठीक है। अब त्रिज्या को बिल्कुल नहीं बदलना क्योंकि हमें वापस से 6 सेंटीमीटर रखना है। 6 सेंटीमीटर सेम त्रिज्या लेकर आप अपने प्रकार के नुकीले भाग को अब की बार बी पर रखो और ऊपर की तरफ फिर से आप एक चाप काट दो। तो इस प्रकार से यहां पर आपको दोनों को काट देना है, दोनों का जो यहां पर दोनों चाप के जो कटान बिंदु है इसको नाम दे देना। चलो मैंने नाम दे दिया से, बिल्कुल से यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। मैं आपको अभी तक क्या क्या बता चुका हूं। पहला स्टेप में आप क्या लिखोगे, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खंड खींचा। फिर हमने क्या किया है, अपने प्रकार के नुकीले वाले भाग को रखा ए पर, ए पर रखकर हमने 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या सेट किया और ऊपर की ओर हमने एक चाप काटा। यह आपका दूसरा स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, अब सेम त्रिज्या लेकर यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हम अपने प्रकार को अब की बार नुकीले भाग को बी पर रखा, बी पर रखकर हम ऊपर की ओर फिर से एक चाप काट दिए। तो दोनों के कटान बिंदु को हमने सी नाम दिया है, दोनों चाप के कटान बिंदु को हमने सी नाम दिया है। यह आपका हो चुका थर्ड स्टेप, बिल्कुल ठीक है। चौथे स्टेप में क्या करोगे, आप ए को सी से मिलाओगे, किसको, ए को सी से मिलाओगे और आप बी को सी से मिलाओगे। ये आपका चौथा स्टेप में लिखाने वाला है, बिल्कुल। ये आपका कौन सा स्टेप आ गया बच्चों, चौथा स्टेप आने वाला है। चौथा स्टेप में हमने क्या किया, ए को सी से मिलाया सर और हमने हमने क्या किया, बी को सी से मिला दिया। ये आपका चौथा स्टेप हो जाएगा। पांचवा स्टेप में क्या लिखोगे कि इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये आप कैसे लिखोगे, पांचवा स्टेप में लिखोगे, कैसे लिखोगे कि अभीष्ट त्रिभुज ए बी फिर ए बी त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ जिसमें अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। इस प्रकार से आप पांचवा स्टेप में लिख दोगे, ठीक है। सर हमने समबाहु त्रिभुज तो बना लिया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसके सभी जो भुजाएं हैं वो 6-6 सेंटीमीटर के, कितने बच्चों, 6-6 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें अंतःवृत्त की रचना करना है, अंतःवृत्त की रचना करना। देखो तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सर त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो किन्हीं भी दो कोण का हम कोणार्धक खींचने वाले। सर अभी कोणार्धक कैसे खींचेंगे, देखो अच्छे से समझना इसको, अपने प्रकार को लो, प्रकार को लो, मैं क्या करूंगा, मैं ये कोण ए और ये कोण बी, मैं कोण ए और ये कोण बी का कोणार्धक लेने वाला हूं। चाहो तो आप कोण ए और ये कोण सी का भी कोणार्धक ले लो, सेम चित्र बनने वाला है। चाहो तो आप बी और सी का कोणार्धक ले सकते हो, कोई भी दो कोणों का कोणार्धक हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो मैं पहले कोण ए का कोणार्धक लेने वाला हूं, कैसे लूंगा, तो अपने प्रकार को उठा और प्रकार के नुकीले वाले भाग को रखो ए पर, कहां पर रखोगे, ए पर रखोगे। अब कोई भी माप का आप त्रिज्या सेट करो, कोई भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कोई भी माप का आप त्रिज्या सेट करो और इस तरह से आप यहां पर एक चाप काट दो, कोण बना दो, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहां पर ऐसे अपने प्रकार को रखा और इस प्रकार से मैंने यहां पर ऐसे एक चाप काट दिया, बिल्कुल बच्चों यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। बिल्कुल त्रिज्या कोई सा भी ले लेना है, कोई भी माप का आपको ले लेना, ठीक है। देखो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल अपने प्रकार को हिलाना नहीं है, त्रिज्या को बदलना नहीं है। अब की बार अपने प्रकार को रखो यहां पर, त्रिज्या को बदलना नहीं है, त्रिज्या सेम रखेंगे, ठीक है। अब की बार सर हमने यहां पर रखा और एक चाप हम ऊपर की ओर ऐसे काटेंगे और अब की बार देखो प्रकार को उठाकर निकुले वाले भाग को अब की बार यहां पर रख लो और यहां पर रखकर आप नीचे की ओर ऐसा चाप काट दोगे, देखो ठीक है। तो दोनों के कटान बिंदु को, दोनों के चाप के कटान बिंदु को हम ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खींचने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से ये जाने वाले, बिल्कुल ये इस प्रकार से आपको दिखने वाले, बिल्कुल आपने नाप कर बनाया हुआ है तो ये ऐसा दिखने वाला है। हमने सर कोण ए का कोणार्धक बना लिया है, कोण ए का हमने कोणार्धक बना लिया है, ठीक है। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप, अब मैं कोण बी का बनाने वाला हूं कोणार्धक, क्या करोगे, अब देखो सेम त्रिज्या लेना है, सेम त्रिज्या लेकर आप प्रकार को कहां पर रखोगे, बी पर रखोगे और इस प्रकार से फिर आप
चाप काटोगे आपको एक कोण दिख गया। क्या दिख गया बच्चों? एक कोण बन गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकार को हिलाना नहीं है, प्रकार के नुकीले वाले भाग को यहां पर रखो, यहां पर रखकर आप फिर से ऐसा चाप काटोगे, ऐसा चाप काटने वाले हो, ऐसा नुकीले वाले भाग को देखो, ये मेरा नुकीला वाला भाग है अंगूठा वाला, यहां पर ऐसा रखोगे तो आप यहां से ऐसा चाप काटोगे। ठीक है, अब प्रकार को, प्रकार के त्रिज्या को बिल्कुल हिलाना नहीं है, प्रकार को उठाकर यहां पर ले आओ और यहां पर रखकर आप ऐसा चाप काटोगे। कैसे काटोगे? ऐसा आप चाप काटोगे। ठीक है, तो दोनों के चाप, दोनों चाप के कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, जोड़ते हुए बी से जोड़ते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये ऐसा बिल्कुल आपने नाप का बनाया हुआ है तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है। हमने बच्चों कोण बी का भी कोणार्धक ले लिया है, कोण ए का सबसे पहले हमने कोणार्धक लिया और कोण बी भी का हमने कोणार्धक लिया। तो कोण ए और ये कोण बी दोनों का जो कोणार्धक है इसको हमने यहां पर ओ नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रतिच्छेद बिंदु को ओ नाम दिया। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, देखो अब हमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो मैं एक बार स्टेप बता देता हूं। पांचवा स्टेप तक हमारा ये जो पूरा त्रिभुज है वो बनकर तैयार हुआ था, अभीष्ट त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी बनकर तैयार हुआ था पांच स्टेप में। छठवें स्टेप में हमने क्या किया है कि कोण ए और कोण बी का हमने कोणार्धक लिया है, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को हमने क्या नाम दिया? ओ नाम दिया है। अब देखो सातवां स्टेप में आप क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, ओ से भुजा ए बी पर मुझे लंब खींचना है। क्या खींचना है? लंब खींचना, लंब डालना है, अभिलंब डालना है। कैसे डालेंगे देखो, ठीक है। अब देखो प्रकार के नुकीले वाले भाग को यहां पर केंद्र में रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो, ठीक है, ऊपर रखो, ठीक है। अब आप कोई भी माप का एक त्रिज्या सेट करो और यहां पर ऐसे एक चाप काट दोगे। ठीक है बच्चों, आप ऐसे एक चाप काट दोगे। मैंने क्या किया, प्रकार को, प्रकार के नुकीले वाले भाग को ऐसे रखा और कोई भी त्रिज्या लेकर मैंने ऐसे एक चाप काट दिया। बिल्कुल इस प्रकार से आपको चाप काट देना, ठीक है। अब त्रिज्या को बदलना नहीं है, सेम त्रिज्या रखना है। अब प्रकार के नुकीले वाले भाग को यहां पर रखो, नुकीले वाले भाग को यहां पर रखकर आप क्या करोगे, नीचे की ओर ऐसा आप एक चाप काटोगे तो कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको चाप दिखने वाला है। ठीक है, फिर बिल्कुल त्रिज्या को बदलना नहीं है, अब की बार प्रकार को यहां से उठाकर यहां रख लो, नुकीले वाले भाग को यहां पर रख ले, फिर से आप क्या करोगे, नीचे की ओर एक चाप काट दोगे, कुछ इस प्रकार से आपको दिखने वाला है चाप। दो चाप, दोनों के कटान बिंदु को हम मिलाने वाले, कैसे मिलाएंगे देखो, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, देखो जो है वो ओ से होकर जाएगी, देख लो ये इस प्रकार से। ठीक है, हमने क्या किया है, ओ से भुजा ए बी पर हमने लंब डाल दिया है, इसको चलो मैंने नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया बच्चों? डी नाम दे दिया। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे देखो, तो छठवां स्टेप में हमने क्या किया था, कोण ए और कोण बी का हमने कोणार्धक लिया था जिसके प्रतिच्छेद बिंदु को हमने ओ नाम दिया। सातवें स्टेप में आप क्या करोगे, तो सातवें स्टेप में आप लिखोगे कि सर हमने ओ से भुजा ए बी पर क्या खींचा, एक अभिलंब खींचा, एक लंब खींचा है। ठीक है, अब आठवें स्टेप में आप क्या करोगे देखो, तो आठवें स्टेप में आप क्या करोगे, अपने प्रकार को यहां पर रखो, केंद्र पर रखो, ओ को मान लो केंद्र, ठीक है, ओ पर रखकर हम यहां से ओ से लेकर डी तक की दूरी त्रिज्या सेट करते हैं, ओ से लेकर डी तक की दूरी को हम त्रिज्या सेट करते हैं और यहां से हम एक वृत्त की रचना करने वाले हैं, एक वृत्त की रचना करने वाले हैं। तो आपका जो वृत्त है कुछ इस प्रकार से दिखने वाला, देखो एक बार और बताता हूं, ये कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो वृत्त दिखने वाला, बिल्कुल इसी तरह से दिखने वाला है। मेरा थोड़ा सा यहां पर ये जो है सर्कल अच्छे से नहीं बना है, वृत्त अच्छे से नहीं बना, लेकिन बिल्कुल आप जब प्रकार से बनाओगे तो एकदम सही से बनने वाला है। कुछ इस प्रकार से आपका ये वृत्त दिखने वाला है, यही अभीष्ट अंतःवृत्त है, यही अभीष्ट अंतःवृत्त है, ये आपका नौवां स्टेटमेंट होने वाला, नौवां स्टेप होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। बिल्कुल बच्चों, अगर आपने हर एक चीजों को नाप कर बनाया है तो चित्र आपका कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। इसको मैंने आपको पहले से बनाकर दिखा दिया। ठीक है, चलो देखो, चलो एक बार हम इसका रिवाइज करें तो हमने क्या क्या किया हुआ है, और साथ में मैंने यहां पर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखकर दिखाया है, रचना के पद भी लिखा हुआ। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम हमने क्या किया है, स्केल की सहायता से हमने एक रेखाखंड खींचा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यहां पर लिखा गया सर्वप्रथम स्केल की सहायता से ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, सबको क्लियर है। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, अपने प्रकार को रखे ए पर और त्रिज्या हमने सेट किया 6 सेंटीमीटर का और ऊपर की ओर हमने यहां पर एक चाप काटा था, फिर उतने ही
त्रिज्या लेकर, सेम त्रिज्या लेकर हमने प्रकार को अब की बार रखा बी पर और ऊपर की ओर हमने एक चाप काटा। दोनों के कटान बिंदु को बच्चों हमने सी नाम दिया है। यहां पर लिखा गया है प्रकार को बिंदु ए बी पर रखकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर की ओर काटा। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, उतने ही त्रिज्या लेकर यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर प्रकार को बिंदु ए पर रखकर ऊपर की ओर हमने एक चाप काटा। ठीक है, कटान बिंदु को हमने सी नाम दिया है, कटान बिंदु को सी नाम दिया बिल्कुल। ए को सी से, फिर हमने क्या किया, ए को सी से और बी को हमने सी से मिलाया है। तो इस प्रकार से हमें अभिष्ट समबाहु त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ, जिसमें एबी बराबर बीसी बराबर सीए बराबर 6 सेंटीमीटर हो चुका। 5 स्टेप तक आपका यह त्रिभुज बनकर तैयार हुआ था, हमें बनाना था अंतःवृत्त। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कोण ए और यह कोण बी दोनों का कोणार्धक लिया, जिसके प्रतिच्छेद बिंदु को हमने ओ नाम दिया। बिल्कुल, यह आपका छठवां स्टेप में आ जाएगा, कोण ए व कोण बी का कोणार्धक जो बिंदु 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 O पर काटती है। यहां पर लिख लोगे बिंदु O पर काटती है, बिंदु O पर काटती है। ये हो चुका बच्चों हमारा छठवां स्टेप। सातवें स्टेप में हमने क्या किया है, O से भुजा AB पर लंब खींचा, हमने खींचा था ना, यहां पर O से मैंने भुजा AP पर लंब खींचा है, भुजा AB पर हमने लंब खींचा है। ठीक है, फिर देखो कहां पर गया, हां उतने ही त्रिज्या लेकर देखो यहां पर, हां A को C से तथा अच्छा यहां पर एक मिनट ना पीछे आ गया क्या, हां देखो यहां पर फिर क्या था, ओ से भुजा ए बी पर लंब खींचा जिसका नाम ओडी दिया, जिसका नाम बच्चों हमने ओडी दिया। देख लो, ओ से हमने भुजा ए बी पर एक लंब खींचा जिससे हमने ओडी नाम दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आठवें स्टेप में, अब ओ डी को त्रिज्या लेकर यानी कि हमने प्रकार को रखा ओ पर और ओ से लेकर डी तक की दूरी को त्रिज्या लिया और एकदम सीधा एकदम अच्छे से गोल घुमा दिया, अपने प्रकार को घुमा दिया, तो हमें अभीष्ट अंतःवृत्त का निर्माण हो चुका। अब ओ डी को त्रिज्या लेकर ओ को केंद्र मानकर वृत्त बनाया जो भुजाओं ए बी बी सी व ए सी को स्पर्श करती है, यही अतः यही अभिष्ट अंतःवृत्त है। इस प्रकार से आपका चित्र दिखने वाला, बिल्कुल आपने नाप कर बनाया हुआ है तो इस प्रकार से आपका ये चित्र दिखने वाला, इस तरह से आपको नजर में आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की इस क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रश्नों के बारे में बता दिया है। 2 टॉपिक हमने पढ़ा है, पहला तो है हमारा अंतःवृत्त और दूसरा हमारा था परिगत वृत्त। दोनों की रचना करना हमने अच्छे से सीख लिया है, दोनों में डिफरेंस को भी बता दिया। जब भी आपको परिगत वृत्त बनाना पड़ेगा आप क्या करोगे, त्रिभुज का किन्हीं 2 भुजाओं का आप क्या करोगे, लंब समद्विभाजक खींचोगे। अगर अंतःवृत्त बनाना है तो आप क्या करोगे, 2 कोण को लेना और उन दोनों कोणों का कोणार्धक लेना है और वृत्त बना देना है। तो इस प्रकार से हमने अंतःवृत्त और परिगत वृत्त की रचना करना अच्छे से सीख लिया, साथ ही साथ हम रचना के पद को भी लिखना सीख चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रश्नों को मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आज जो पढ़ाया उसको बार बार रिविजन करना, प्रैक्टिस करना है। मैं मिलूंगा इसके सेकेंड पार्ट पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।